फ्रेंड्स पूजा उजा हो गई हम लोग के यहाँ और अब सब बैठे हैं तो गॉसिप चल रही है, बहुत शोर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। और अब हम लोग का जो है न्यू ईयर का प्रोग्राम शुरू होगा, खाना ना खाने के बाद हम लोग मस्ती करने वाले हैं, तो वो ब्लॉग हम अलग दिखाएंगे आप लोगों को। ये भगवान ये तम्बाकू खाने लगे, ये देखिए देखो कहीं वो। और फ्रेंड्स अब जो है जा रहा है काजल लगने बच्चे को, और बच्चे की बुआ लोग इंतजार कर रही हैं कब काजल लगाएं हम लोग। और और सब बैठ गए हैं अपना अपना अपनी अपनी जो है जगह कब्जा कर लिए हैं। और बच्चे को ले रखा है बच्चे के मामा ने, देखिए और इन लोगों की शैतानियां तो पूछिए मत। और मम्मी बार बार कह रही है स्वेटर पहन लो पूजा से, और पूजा कह रही है पहले हम वीडियो बना लें उसके बाद स्वेटर पहनेंगे। फिल्म भी कर लो अपना कैमरा ठंडे बना लेके बैठ। अरे मैं भी हूँ, अरे मैं भी हूँ। तो सबसे लेट आई है बच्चे के मामी मामा, ये देखिए पता चल रहा है कितने बजे आए। अरे तुम लोग उछल के हम बताते हैं टाइम, आपको बज रहा है घड़ी में शाम के 5:05 और ये मामा अब पधार रहे हैं। 5:05 और बच्चे को लगने जा रहा है काजल, जो कि हमारे यहाँ लगाती है बुआ लोग। तो देखिए बुआ काजल ले आई है, तो एक एक आंख में काजल बच्चे के लगेगा और दूसरी आंख में मामा के लगेगा। और जितने मामा हो वो सावधान रहे। ये नानी वाली बोली एक लोग को भी लगेगा, एक मामी की भी लगी, एक लोगों को भी लगेगा। ये हमारे बच्चे की क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग।
तो आज हमारी सासू माँ का भी जो है वो काजल लगवाई और लगा भी रही है। सासू माँ काजल लगा रही है। चलो मामा निछौरी निकालो, लोग को निकालो भाई। मामा की जेब खाली, एटीएम वो नहीं लेके आए ना, एटीएम मशीन ऑनलाइन के तो लेके बैठे लो, लेके चलो बैठे हैं। पर्स खो गया इधर बुआ का। आप पहले बोलते तो अब देखिए क्या क्या मिलता है बुआ लोग को। हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से मेरी दो दीदियां बैठी हैं, एक इधर एक खाली। हम वीडियो इतना मेहनत करते हैं, इसका पैसा कौन देगा? नाम कर ले, हो गया ये। दादी ने नहीं दिया, दादी बच्चे की दादी ने छोड़ दिया। अरे उठना पड़ेगा। तो ये हमारे पूरे सिंह परिवार की तरफ से हमारी देवरानी जेठानी निपट गई इसी में। मेरी जेठानी ये देखिए, कोई कहे नहीं। देखो नानी ने छोरी कर दी। तो बच्चे के मम्मी पापा गायब हो गए, बिछावन के टाइम पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ निछावर का सिस्टम चल रहा है। और बच्चे के फूफा जी तो मोबाइल में लगे हुए हैं। बच्चा सो रहा है। 50 रुपए दिए, उसके 500 लिए। नहीं नहीं, हमने ज्यादा दिया था, निछावरी के लिए मान में अभी और आ गया। ये देखो बच्चे मामा के ऊपर चढ़े हुए हैं। अच्छा, हम तब कर ले। तो बुआ लोग को मिल रही है सोने की थाली। ए अम्मा, हमसे 500 रुपए छूटे कराए, हमको 500 नहीं। अरे भाई 50 रुपए अब पैर में जा रहे हैं, तो हमारी मुझे बना लिया। अरे वैसे भाई दिला दिला दी, मैं भूल जा रही हूं। तो ये देखिए बड़ी बुआ को मिल रही है सोने की थाली। फिर बीच वाली बुआ को मिली है सोने की थाली। सोने की थाली वजन देख ली, ये 10 तोले से कम नहीं है। ये छोटी बुआ को मिली है सोने की थाली। अब इसमें खाएंगी कि क्या करेंगी, आप हमको ये बताइए। लगवाई की रस्म हो गई है पूरी। वालों खुश है कि नहीं? सबको नहीं। और कुछ पूछा नहीं। अब इतनी बच्ची सब निकलवा दो। तो फ्रेंड्स हम लोग काजल हो गया है काजल वाला, और भाभी लेके बैठी है बाबू को गोदी में। कहा गई भाभी, देख रही है मेरे कैमरे में, भाभी आ नहीं रही, झांक रही है। आ गई, फोन आने वाला है। ये जो है खुशी लेके आ रही है चाय, और सर्दी का मौसम है और सब लोग उठाओ, सब लोग इकट्ठे हो, और चाय ना मिले तो बेकार है। वेटर लोग को टिप मिल रही है। अरे वाह, वेटर लोग को टिप भी मिल रही है। काश ये चाय मैंने बनाई होती। खुशबू आएगी तब दीजिएगा, अभी आएगी। चाय 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 चाय।
दीदी काश ये चाय मैंने बनाई होती घड़ी बहुत अच्छी मुझे पैसा मिलता दीदी आपकी घड़ी बहुत अच्छी लगी अच्छी लगी ये देखो जो चाय ला रहा है उसको पैसा मिल रहा है थोड़ा सा हाँ चेन कटवा दीजिए और यहाँ लगने जा रहा है मेरा ब्लॉग आज वाला और जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा बुढ़ापे का बोझ वो नीचे आ गया नीचे मेरी रोए लगी है सोने की थाली में पकौड़ी ये देखिए सोने की थाली में सोने की थाली में आगे क्या है खाए गोरी का बलमतर से रंग भर फ्रेंड्स सबने मिलकर स्टोरी देख ली है बुढ़ापे का बोझ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग भी देख लीजिएगा और कैसी लगी स्टोरी सब लोग बताइए बहुत गंदी तो सब लोग बताइए कैसी लगी स्टोरी बहुत अच्छी बहुत गंदी आप लोग भी जाकर देखिएगा जरूर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अब यहाँ होने जा रहा है ढोलक का प्रोग्राम माता के गाने और सोहर वगैरह तो अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी बने रहिए हमारे साथ तो फ्रेंड्स आगे अच्छे अच्छे भजन सुनने हो तो आगे वाला व्लॉग देखिएगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आगे भी खूब मस्ती हुई है तो देखिएगा ज़रूर ये अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ तो बने रहिए हमारे साथ अगर अच्छा लगा हो व्लॉग थोड़ा सा भी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सबको बाय बाय।